अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ हैं हमजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रेड्स। तो गाइस, आईपीएल फाइनली आईपीएल आने वाला है, वो भी इसी साल। इंटरेस्टिंग बात है, ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर हमेशा मुझे बड़ा जैसे कहते ना कंट्रोल है, मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ ये वाला टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अभी कोरोना के दिनों में ये वाला क्रिकेट हो और क्रिकेट के ऊपर मैं बात ना करूँ ये हो नहीं सकता। ठीक है, बड़ा अरसा हो गया क्रिकेट ना खेली ना देखी, ठीक है ना, उस पर रिएक्शन दिया ना उसके ऊपर किसी चीज का रिएक्शन दिया था, उस पर रिएक्शन देते थे। अब तो आप इतने अरसे के बाद हमें एक बार फिर क्रिकेट देखने को मिल रही है और आईपीएल स्टार्ट होने वाला है सितंबर में और वो भी यूएई के अंदर। तो देखते हैं कि क्या न्यूज़ है और कौन कौन जो है ना किस किस किस्म की बात चल रही है और वाकई में ये जो स्टार्ट होने वाला है ये क्या चीज़ है। तो ये वीडियो देखते हैं फिर उसके ऊपर बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, न्यूज 24 के यूट्यूब स्पोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सैगल। आईपीएल के फैंस के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर आ रही है। आईपीएल का सितंबर अक्टूबर में यूएई में होना लगभग अब तय हो गया है, क्योंकि कल बीसीसीआई की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, डोमेस्टिक क्रिकेट पर चर्चा हुई, आईपीएल को लेकर चर्चा हुई और भी बहुत सारी चर्चा हुई इस मीटिंग में। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे अहम फैसला जो लिया गया है वो लिया गया है आईपीएल पर। दरअसल बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स यूएई में आईपीएल करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। और भी बहुत सारी बातें हुई हैं लेकिन आईपीएल को लेकर और भी बहुत सारी चर्चा हुई इस मीटिंग में, आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यूज 24 के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही साथ उस बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखते रहें। हम बात कर रहे थे कि आईपीएल को लेकर बीसीसीआई की मीटिंग में बहुत सारी चर्चा हुई है। दरअसल सबसे पहले तो ये चर्चा हुई कि आईपीएल को यूएई में ही क्यों करवाया जाए। जो टॉप ऑफिशियल्स थे बीसीसीआई के, उन्होंने ये देखा कि पहले भी यूएई में जो है आईपीएल, वो आधा आईपीएल हुआ था 2014 में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूएई में जो फ्लाइट की कनेक्टिविटी है हर देश से वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे में जो बाकी जगह से लोग आने हैं, बाकी जो विदेशी खिलाड़ियों को आना है, सपोर्ट स्टाफ को आना है टीमों के, वो भी आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर कोरोना की जो स्थिति है वो भी कंट्रोल में है और अगर आप देखें आगे तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है यूएई में। तो ये सारी चीज़ों पर मद्देनज़र करते हुए ये फैसला लिया गया कि ठीक है, यूएई को आईपीएल की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक T20 वर्ल्ड कप पर कोई फैसला नहीं लेगा आईसीसी, बीसीसीआई इस ये जो प्लान है इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसी वजह से बीसीसीआई और आईसीसी में नाराज़गी भी चल रही है, क्योंकि आईसीसी ये बात बोलता है कि हम हर अगली मीटिंग में वर्ल्ड कप को लेकर कोई फैसला लेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। फिर क्या होता है, उसको टाल दिया जाता है और फिर वो जो म्याद है वो आगे बढ़ जा रही है और ये लगातार हर मीटिंग में ऐसा हो रहा है। इसी वजह से बीसीसीआई और आईसीसी के बीच नाराज़गी जो है वो चल रही है। हालांकि अगर आप देखें तो इस साल T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ये कह दिया है कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, हम 16 टीमों को एक साथ अपने देश में बुलाकर क्वारंटीन नहीं कर सकते हैं, हम उस तरह पर इतने बड़े लेवल पर इस टूर्नामेंट को नहीं करवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फैसले को लगातार टालता जा रहा है। तो इसी वजह से बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर आईपीएल को लेकर एक अच्छी खबर ये है कि यूएई में ही आईपीएल हो सकता है। हालांकि आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल को इस पर आखिरी फैसला लेना है और वो तब होगा जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर कोई फैसला लेगी। लेकिन एक चीज़ तो अच्छी है कि बीसीसीआई क्लियर हो गया है, अगर भारत में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तो आईपीएल ज़रूर होगा और वो कहाँ होगा, यूएई में। लेकिन उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार कब तक का, जब तक आईसीसी कोई बड़ा डिसीजन T20 वर्ल्ड कप को लेकर नहीं लेता है। लेकिन अगर हम देखें समीकरण जो बन रहे हैं उसमें ये लग ही रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इतना आसान नहीं होता आप फटाफट किसी दूसरे देश में T20 वर्ल्ड कप को शिफ्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये लग रहा है कि लगभग अब T20 वर्ल्ड कप जो है या तो वो रद्द होगा या फिर वो स्थगित किया जाएगा। तो ऐसे में अगले साल ही होगा। इसके लिए बड़ी अच्छी खबर ये है कि इस साल आईपीएल होगा और अगर होगा तो भारत के अलावा अगर कहीं बाहर होगा तो वो यूएई में ही हो सकता है। T20 विंडो देख रहा है वो सितंबर से नवंबर तक की बीच में विंडो अगर कहीं भी मिलेगी, हो सकता है कि आईपीएल थोड़ा सा कम छोटा हो जाए,
थोड़े कम दिनों का हो लेकिन होगा जरूर। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मुझे लगता है लीग में यार बात ये है कि एक जो अहम बात है ना वो ये है कि चलो आईपीएल तो स्टार्ट हो रहा है और दूसरी बात पहले इसको शायद कोई 22-23 को सितंबर से स्टार्ट होना था, ठीक है 24 सितंबर से स्टार्ट होना था, उसको फिर एक हफ्ता पीछे भी ले गए हैं कि उसका एक हफ्ता एक्सटेंड कर दिया है टूर्नामेंट का, 52 दिनों का जो ना ये टूर्नामेंट कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद पहले कितने का था, 7 दिन कम कर लो ना, पहले 45 दिन का लगा लो, लेकिन उसको 7 दिन और बढ़ा दिए, 52 दिन का टूर्नामेंट कर दिया जो यूएई में करने के लिए। और एक और जो मैं सुन रहा हूँ जो इन्होंने बात की है और वाकई उसमें शायद सच्चाई भी है कि एग्जिट क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप, सही बात, ठीक है 2020 का वर्ल्ड कप को शायद ये एग्जिट है, शायद नहीं हो रहा, ठीक है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कोई चांस बनता भी। मैंने ये उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि शायद वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अब इन्होंने कंफर्मेशन दे दिया कि यार ऑस्ट्रेलिया ने हाथ ही खड़े कर लेंगे, हमने करवा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब 16 टीमों को ही आपने कंट्रोल करना है इसमें भाई, क्वारंटाइन करना है। हाँ उनके साथ आगे और बंदे आएंगे साथ उनके अपने और भी ऑफिशियल्स भी होते हैं ना। बात यह है कि चलो कितने होंगे, 25 बंदे होंगे हर बंदे हर टीम के साथ, 50 तो ज़्यादा हो, नहीं नहीं 25 से ज़्यादा नहीं होते ऑफिशियल्स के साथ, समझ आ रही है। एक मसाजर होता है, 2-3 कोच होते हैं, ठीक है 2-3 और लगा लो बस, 17 खिलाड़ी होते हैं 16। लेकिन फिर भी देखें क्या होता है, मुझे लगता होगा न्यूजीलैंड करवा सकता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं करवा रहा तो न्यूजीलैंड इतना सा तो देश है वो कहाँ से करवाएगा भाई, थोड़ी है इतने से देश में 100 बंदे नहीं आ सकते, 200 बंदे नहीं आ सकते, दो नाने ना आने ना आने की बात नहीं है, कंट्रोल करने की बात है, ठीक है संभालने की बात है, उनकी जिम्मेदारी। मेरे ख्याल से दो इतने बंदों को संभालना कोई नामुमकिन बात होनी नहीं चाहिए। हम भटक रहे हैं, हमारा नैरेटिव हमारा आईपीएल है, हम आईसीसी में हैं। दैट वाज इंप्रेसिव, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी खबर आई है, बहुत कमाल की खबर आई है कि आईपीएल यूएई में स्टार्ट हो सकता है, जब तक आईसीसी की मजेदार और कमाल की और मीठी मीठी खबर है, ठीक है। यानी इंडिया के लिए बड़ा इश्तियाक हो रहा है कि मैं आईपीएल को एक बार फिर देखूं, और आईपीएल से जो है ना क्रिकेट की रौनकें बहाल होंगी, वैसे उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट की रौनकें बहाल हो चुकी हैं क्योंकि इंडिया इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है, उसके फौरन बाद ही पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान भी जारी होने वाली है, शुरू होने वाली है टेस्ट सीरीज है और शायद T20 भी हैं, और उसके बाद फिर आईपीएल भी आ जाएगा, तो बहुत एक्साइटिंग रंगीला माहौल होने वाला दोबारा से कोरोना के बाद। लेकिन जो एक इस माहौल को जो चीज़ जिसे कहते हैं ना फीका करती है वो है आवाम नहीं होना, क्राउड ना होना, क्राउड के ना होने से जो है ना ये चीज़ें बहुत फीकी हो जाती हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूँ खुद अंदाजा लगाओ जिस आईपीएल के अंदर कभी आपको एक सीट भी खाली देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है, वहाँ पे अगर पूरा एक बंदा भी नहीं पड़ा होगा तो वो क्या जाना। अच्छा बंदा अगर पहले कुछ अर्सा पहले में जाके देखे कि आने वाले दौर में कैसा मैच आएगा, जो आईपीएल के हर मैच इस तरह हुए हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज हो रही है बिल्कुल खाली सन्नाटा है, सन्नाटा तो नहीं किया उन्होंने, बस वो क्राउड का हल्की सी आवाज लगाई है, जैसे बैठे होते ना खामोश से तो हल्के घूर 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 आवाज आ रही ऐसे, ये नहीं है कि बाउंड्री लगी है तो भी तो ताड़ियाँ बनने की बात, वो नहीं होता, वो होना चाहिए, वो नहीं होता, वो होना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा बंदे का दिल बहलता रहे वो कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही जरा जिसे कहते हैं ना क्राउड की सांसों की आवाज़ आ रही है वो चीज़ आ रही है, थोड़ा सा शायद यूएई के अंदर जो आईपीएल होगा उसके अंदर भी ऐसे ही होगा, क्राउड के सांसों की आवाज़ें आती रहेंगी, ठीक है। मैं अगर होता ना क्रिकेट ग्राउंड में तो मैं मतलब बड़ा होता अगर कुछ मेरा होता होता मैं क्राउड की वॉइस भी लगाता। अच्छा के शोर हो अचानक वो बड़ा मजेदार। नहीं मेरे ख्याल में उसके अंदर आ रहा है एक किसी गेम में ऐसे हुआ कि फुटबॉल के अंदर आ रहा है। और मैंने ये देखा कि उसमें क्या नाम है फुटबॉल में शायद पता नहीं कौन सी गेम थी उसमें क्राउड भी बैठा हुआ था नकली। हाँ पता नहीं ऐसे से हिल रहे थे बंदे थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे पकड़ाए हुए थे फ्लैग उन्होंने कुछ सिस्टम किया तो रोबोट रखे हुए थे सारे वो भी काफी अच्छा है सिस्टम किया नहीं यार वो जितना भी आप फेक ही है ना जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको तो सब पता है
जिसको दिखाएंगे। वैसे एक और काम कर सकते हैं कि जिस तरह ना साइडों पे ना काले कपड़े और उनके ऊपर वाइट वाइट से कुछ बिछा दे, जैसे कैमरा ऐसे घूमे तो ऐसे लगे जैसे बंदे बैठे हैं। तू रहने दे, तूने जरूर उनको देखना, तू सिर्फ मैच देख। दिमाग खराब होता है जब तू बैठा ना हो ना, शोर भी हो और साइडों पे ऐसे ना कपड़े हिलने हो। So guys, अब देखते हैं इसके ऊपर मजीद कौन सी अपडेट आती है। ये 24 न्यूज़ वालों की वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है उन्होंने, खुशखबरी दी उन्होंने हमको और आपको भी खुशखबरी मिली है। मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई है, साइडों पे कैमरे लगा के रख दें, मतलब LCDs लगा दें, अपने घर से मोबाइल ऑन करके पैसे दे के आप लाइव आओ। यार वाकई सही बात है, आप टिकट जैसे परचेज करते हो वैसे करो, बस आपकी शक्ल उस क्या है ना LCD के अंदर नजर आएगी घर बैठे। क्या बात है यार, ये माहौल चेक करें, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। खर्चा बहुत हो जाएगा, लेकिन ये बात है खर्चा बहुत होगा, बहुत पैसा लग जाएगा। सो गाइस ये थी वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना है। जाने से पहले मैं आपसे कहेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान।